हम लोग इस तरह के बहुत सारे कैंप्स में गए, मैं कैंप नहीं कहूंगा, वो ट्रेनिंग होती थी जिन्हें हम कोर ट्रेनिंग कहते थे, पीपीटी चलती थी, बहुत सारी चीजें बताई जाती थी। लेकिन यहाँ पे कैंप में आके मुझे मेरे बारे में, मेरे को खुद को, मेरी लाइफ के जो बहुत सारे पहलू हम छोड़ देते हैं कहीं भागदौड़ भरी जिंदगी में, उनको जीने का, उनसे लर्निंग्स निकाल के सीखने का। और ये कैंप मेरे लिए इसलिए भी बड़ा खास रहा क्योंकि इसमें मेरी डॉटर आई थी, और मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है उसका हीरो बनना, क्योंकि वो ना मुझे बहुत सारी चीज़ों में फॉलो करती है। और जब यहाँ पे भी हम आए तो हम पहले एक ही टीम में आ गए थे, फिर मैंने बताया कि हम दोनों जो हैं वो बेटी और बाप हैं, तो हम अलग अलग ग्रुप्स में बट गए। और मैं उसकी एक्टिविटीज़ को नहीं देख रहा था, मैं अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा था, वो मुझे किस तरीके से जज करेगी, क्या करेगी, मैं कुछ नहीं देख रहा था। और एक मेरे साथ इस कैंप में बहुत अच्छी चीज़ और हुई कि मुझे ना डांस करने में बड़ा डर लगता था, और इस कैंप से निकलने के बाद शायद मुझे लगता है ना कि मुझे अब नाचने के लिए, मुझे डांस करने के लिए ना किसी के सामने, क्योंकि मैं किसी के लिए कर ही नहीं रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कर रहा था। और मैंने अपनी लाइफ को बहुत नज़दीक से देखा, और इस पूरे कैंप में मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये पूरा कैंप मेरे को ही ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा सारे के सारे जो हमारे क्रू मेंबर्स थे, हमारे जो स्पीकर थे, जो मेंटोर थे, और मेरे सारे टीममेट्स, और जिनके साथ भी हमने एक्टिविटीज़ को करा। बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। और जब भी मेरे को दोबारा मौका मिलेगा, कभी भी इस तरीके की इवेंट्स होंगे, मैं जरूर उसमें आना चाहूँगा, उसका सदस्य बनना चाहूँगा। थैंक यू।